पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर दरभंगा में आरजेडी का फूटा गुस्सा। मोटरसाइकिल को अर्थी देकर युवा राजद ने जताया विरोध। कमर में रस्सा बांधकर बाइक को खींचते रहे आरजेडी के कार्यकर्ता। ये बहुत बड़ा चेतावनी है उनके लिए कि आप सुधर जाओ, वरना जो जनता बैठाना जानती है कुर्सी पर, वही जनता कुर्सी से उतारना भी जानती है। कोरोना की मार से हम लोग जूझ ही रहे थे और ऊपर से फिर जो है ये डीजल पेट्रोल और घरेलू एलपीजी गैस की बढ़ोतरी ने हमारी कमर को तोड़ रखा है। जब से ये भाजपा की सरकार बनी है और मोदी जी संभाले हैं राजपाट को केंद्र से, हम लोगों को, हम खास करके हम महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर युवा राजद के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। इस आक्रोश मार्च में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बाइक को अर्थी दिया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। आगे की देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पूरे देश को बेचने के कगार पर ला दिए, आज देश आजादी के बाद जो हमारे सेनानी लोग, जो हमारे शहीद सपूत लोग इस देश को आजाद कराए, माने जिस अरमान से कराए, ऊपर से रो रहे होंगे कि आज भारत जो सोने का चिड़िया था, उस सोने के चिड़िया को जिस तरह से धर्म के नाम पर सरकार में आने वाला ये जो नरेंद्र मोदी है वह किस तरह से बेच रहा है। आज हम मजबूर हैं, देश की जनता रो रहा है कि हम कौन सा प्रधानमंत्री बना लिए, और जो हमको महंगाई के मार तमाम जो है उनकी आर्थिक स्थिति पॉकेट खाली हो गया है। पेट्रोल गाड़ी लोग खरीद रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, गैस इतना महंगा हो गया, जो लोग आंसू बहा रहे हैं और ये आंसू आने वाला दिन में उनके लिए बहुत बड़ा काल साबित होगा। यही चेतावनी देने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा पर के सड़क पर है। और ये इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ा चेतावनी है उनके लिए कि आप सुधर जाओ, देश को जो आप बेच रहे हो बेचना बंद करो, और देश के गरीब जनता जो है उनका सूदी लेने का काम करो, वरना जो जनता बैठाना जानती है कुर्सी पर, वही जनता कुर्सी से उतारना भी जानती है। जब से ये भाजपा की सरकार बनी है और मोदी जी संभाले हैं राजपाट को केंद्र से, हम लोगों को, हम खास करके हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। और वो एक तरफ से कहते हैं बिहार के नीतीश कुमार जी कि हम महिलाओं को 35% आरक्षण दिए हैं, महिलाओं का सम्मान देते हैं, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को घर घर सुविधा दिए हैं गैस सिलेंडर दे करके। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का सुविधा दिए हैं। अभी जो सब्सिडी हम लोग जो गैस ले रहे हैं उसकी सब्सिडी जो कह रहे हैं, जिसको सब्सिडी वो कहते हैं, वो सब्सिडी क्या सब्सिडी है? हमारा ही पैसा लेकर के, और हमारे खाता में वो भी पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है। वो क्या दे रहे हैं लाभ, वो क्या लाभ दे रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ। आज दरभंगा लहरिया साय टावर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन, और हम लोग आक्रोश मार्च लेकर के चल रहे हैं और साथ में बाइक की अर्थी भी निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश में लगातार डीजल पेट्रोल और एलपीजी गैस के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, देश के हर कोने पे आंदोलन हो रहा है, लेकिन यह जो सरकार है हिटलर शाही की सरकार, जो विपक्ष एक मांगों को सुनने के लिए राजी नहीं है। आज एलपीजी गैस का दाम 862 रुपये कर दिए गए हैं, होम डिलीवरी में 900 रुपया उसको दिया जा रहा है। डीजल महंगी होने का मतलब है यातायात प्रभावित होगा, किसान का खेत प्रभावित होगा। आज देश में किसान रो रहा है, ना जाने 200-250 किसान शहीद हो चुके हैं, ना जाने आज 90-92 दिन से किसान देश के अंदर आंदोलन, तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी ये बैरी सरकार, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज तक उनकी ठीक ढंग से सुध ही नहीं ले रहे हैं, उनके आंदोलन को समाप्त नहीं करा रहे हैं। ऊपर से कोरोना की मार से हम लोग जूझ ही रहे थे और ऊपर से फिर जो है ये डीजल पेट्रोल और घरेलू एलपीजी गैस की बढ़ोतरी ने हमारी कमर को तोड़ रखा है। आज ना जाने क्यों हम जो मिनिमम क्लास के लोग हैं, जो मझोले क्लास के लोग हैं, मीडियम क्लासेज लोग हैं, वो इस मार से काफ़ी त्रस्त हो चुका है, काफ़ी तंग और तबाह हो चुका है। इस कारण से हमारे नेतृत्व ने विचार किया कि हम इसका विरोध करें, जिस विरोध के लेकर
हम आपके सामने मौजूद हैं और इस आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि अति शीघ्र डीजल पेट्रोल और घरेलू गैस के दाम में कमी करें और किसानों को सूदी लेते हुए उनके आंदोलन को समाप्त करावे और काला कानून को वापस